वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एड्स के बारे में डिस्कस किया था और एचआईवी की लाइफ साइकिल कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। इट इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर। इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल सेल होती है उसमें अबनॉर्मल सेल डिवीज़न होता है। मीन्स वो सेल जो होती है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करती है और बहुत सारी मतलब डिवाइड करने के बाद वो मासेस ऑफ सेल्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। अनकंट्रोल मल्टीप्लीकेशन जो डिवीज़न होता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका, ट्यूमर का। ट्यूमर क्या होता है, मासेस ऑफ सेल। जब बहुत सारी सेल आपस में एक साथ मिल जाती हैं उसे कहते हैं ट्यूमर। द नेक्स्ट इज कैंसीरियस सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहैबिशन। जो कैंसीरियस सेल होती है, जो कैंसर की सेल होती है, वो कॉन्टैक्ट इनहैबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करती है। द नेक्स्ट इज दे जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू अ मासेस ऑफ सेल कॉल्ड द ट्यूमर। वो कॉन्टैक्ट इनहैबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस डिवाइड करती है और कंटिन्यूअस डिवाइड करने के बाद वो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन करती है, उसे क्या बोलते हैं, मासेस ऑफ सेल को बोला जाता है ट्यूमर। ट्यूमर आर टू टाइप, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक क्या होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, दे रिमेन कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, हेंस दे कॉज द लिटिल डैमेज। ये जैसे बिनाइन ट्यूमर कहीं एक लोकेशन पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो ये यहीं पे अपनी ही लोकेशन पे ही प्रेजेंट होगा। वो आसपास के जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको वो डैमेज नहीं करता। देखो ये रिमेन कन्फाइंड टू देयर प्लेस, वो अपने ही प्लेस पे क्या है, फिक्स्ड है। वो अपनी प्लेस पे फिक्स होता है और वहीं पे ओरिजिन भी उसकी होती है, वहीं पे फिक्स होता है। और ये जो होता है ये क्या करता है, लिटिल डैमेज कॉज करता है। देन नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है, दे आर द मासेस ऑफ सेल नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल एंड दीज सेल ग्रो वेरी प्रोफिलेटिंग एंड टू अ रैपिडली एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या करता है, ये नियोप्लास्टिक मीन्स ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। इतना ज़्यादा डिवाइड करता है कि जिसकी वजह से ये मासेस ऑफ सेल के फॉर्मेशन हो जाता है, मासेस ऑफ सेल बन जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है ट्यूमर। और ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है। साथ साथ में जैसे यहाँ पे हुआ है कैंसर तो आसपास की जो सेल होगी वो उसको भी डैमेज कर देता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस है, बिनाइन ट्यूमर अपने ही पोजीशन पे रहता है, जहाँ से उसकी ओरिजिन होती वहीं पे रहता है, आसपास की सेल को वो कोई भी डैमेज नहीं करता और बहुत ही लिटिल डैमेज कॉज करता है। देन नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन करता है, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देता है और ये रैपिडली डिवाइड होता है। साथ साथ में आसपास की जो टिश्यू प्रेजेंट होती हैं वो उसको भी क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। देन नेक्स्ट इज मेटास्टेसिस। इट इज द पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसीरियस सेल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे जो कैंसीरियस सेल्स होती है मीन्स जो कैंसर की सेल होती है जो आसपास की नॉर्मल टिश्यू होती है वो उसको भी क्या कर देती है, कैंसीरियस बना देती है। आसपास की जो नॉर्मल सेल होती है कैंसीरियस सेल उसे क्या कर देती है, वो उसको भी कैंसीरियस सेल बना देती है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। देन नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कैंसर। अब कैंसर हमने पढ़ लिया, कैंसर क्या होता, अब कैंसर होता कैसे है। द एजेंट विच कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। ऐसा एजेंट जो कैंसर कॉज करता है मतलब जिसके द्वारा कैंसर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कार्सिनोजेन। द नॉर्मल सेल आर ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसीरियस नियोप्लास्टिक सेल बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। जो नॉर्मल सेल होती है वो चेंज हो जाती है कैंसीरियस सेल में बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। इन तीन एजेंट की हेल्प से जो कैंसर नॉर्मल सेल होती है वो किस में चेंज हो जाती है, नॉर्मल सेल विल चेंज इनटू कैंसीरियस सेल बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। इन तीन की मदद से जो नॉर्मल सेल होती है वो कैंसीरियस सेल में चेंज हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फिजिकल एजेंट में क्या क्या आता है। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन आता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिजिकल एजेंट में दो आते हैं, क्या क्या, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है, एक्सरे, क्या आता है, एक्सरे और गामा रे। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे आता है और क्या आता है, गामा रे आता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है, यूवी रे, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिजिकल एजेंट में दो आते, कौन कौन से, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या क्या आता है, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग में क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इन सब से भी एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सब से भी क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार के कॉजेज ऑफ कैंसर हैं। तो फिजिकल एजेंट में क्या आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आएगा, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उसके बाद है केमिकल एजेंट में क्या आता है, टोबैको स्मोक, दैट इज मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो टोबैको की स्मोकिंग, जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं, ज़्यादातर टोबैको की स्मोकिंग करने से कौन सा कैंसर होता है, हमारे लंग में कैंसर होता है। कैफीन, निकोटीन, ये सब क्या है, केमिकल है, इन सब की वजह से भी कैंसर होता है। देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आएगा, ऑनकोजेनिक वायरसेस। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आएगा, ऑनकोजेनिक वायरसेस और सेलुलर ऑनकोजेंस। क्या क्या आएगा, ऑनकोजेनिक वायरसेस और एक क्या आएगा, सेलुलर ऑनकोजेन। ये किस में आता है, बायोलॉजिकल एजेंट। तो तीन एजेंट होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। कौन कौन सा, फिजिकल होता है, केमिकल होता है और बायोलॉजिकल होता है। फिजिकल में आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग आएगा, और केमिकल में जैसे टोबैको की स्मोकिंग में जो कैंसर वो उसमें जो प्रेजेंट होता है केमिकल। और नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या आता है, ऑनकोजेनिक वायरसेस और सेलुलर ऑनकोजेंस। देन नेक्स्ट इज कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का मतलब होता है जैसे कहीं भी कैंसर हुआ है, वहां से जो कैंसीरियस सेल में जहां पे कैंसर हुआ है उसी कैंसर की सेल को निकालना, मतलब थोड़ा सा निकाल लेना। और जब हमने क्या किया, जो कैंसीरियस सेल को निकालिए मीन्स जहाँ पे कैंसर हुआ है वहाँ के टिश्यू को रिमूव कर दिए, निकाल लिया, उसे क्या बोलेंगे, बायोप्सी। फिर उसकी प्रॉपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, मतलब किस टाइप का कैंसर है, कैसे उसके ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसकी जो हमने स्टडी की है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्या बोलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। जो हमने सेल को निकाला है, टिश्यू को निकाला, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बायोप्सी। ठीक है, उसके बाद है इन दिस अ थिन पीस ऑफ सस्पेंडेड टिश्यू इज स्ट्रेन एंड एग्जामिन्ड। यही टिश्यू का छोटा सा पीस हम निकालते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली स्टडी करते हैं। निकाला टिश्यू को, उसे बोलेंगे बायोप्सी। स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। जैसे एग्जाम्पल में इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। किसके नंबर इंक्रीज होते हैं, WBC के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी इज डन। ल्यूकेमिया के केस में क्या किया जाता है, जो नंबर्स इंक्रीज हो गए तो उसको वहाँ की सेल को, मतलब वहाँ की जो WBC होती है उसको रिमूव करके उसकी स्टडी की जाती है प्रॉपर, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इन्वॉल्व द टेस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड टेस्ट किया जाता है। बोन मैरो टेस्ट किया जाता है कि कहीं पे ब्लड के नंबर्स तो नहीं इंक्रीज हो गए हैं, क्यों, क्योंकि जब मतलब ब्लड कैंसर होता है उस केस में क्या होता है, WBC के ही नंबर्स इंक्रीज होते हैं, उसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। तो प्रॉपर स्टडी की जाती है, इसी को बोलते हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। द नेक्स्ट इज रेडियोग्राफी, दैट इज यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे की मदद से भी मीन्स रेडियोग्राफी भी की जाती है, एक्सरे की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसर डिटेक्शन, कैंसर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। सिटी स्कैन से भी हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर हमें कहाँ हुआ है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। उसके बाद है MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेकिन जो इन सब से रेडिएशन निकलती है, इनकी रेडिएशन भी कैंसर कॉज करती है। अभी हमने पढ़ा कि जो एक्सरे होता है वो कैंसर कॉज करता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, दैट इज एक्सरे, ये कैंसर, इसकी जो रेज होती हैं, इसीलिए वहाँ पे जो कैंसर करते हैं, मतलब जो एक्सरे करते हैं, वो क्या होते हैं, पूरी प्रॉपरली ड्रेस पहने होते, ताकि वो जो रेडिएशन है उनकी बॉडी में इंटर ना कर जाए, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो एक हो गया कौन सा, एक हो गया बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ये डिटेक्शन हो गया कैंसर का। एक हो गया रेडियोग्राफी और एक हो गया सिटी स्कैन और तीसरा है MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, जैसे इंटरनल ऑर्गन में हमें कैंसर हो गया, उसको हम एमआरआई टेस्ट से ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन का मतलब इंटरनल ऑर्गन में अगर कैंसर हुआ वो पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एमआरआई टेस्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो कैंसीरियस सेल होती है इनको किल करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज का भी यूज करता है। किसका यूज करता है? एंटीबॉडी का यूज किया था। तो कौन कौन से थे कैंसर की डिटेक्शन? सबसे पहला बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, फिर रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड यूज ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। ये सब डिटेक्शन है किसके? कैंसर के। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब देखते हैं कि कैंसर में कौन कौन से ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है रेडिएशन थेरेपी। नाम से ही पता चला रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, जैसे सपोज करते हैं कि हैंड में कैंसर हो गया, यहाँ पे कैंसर हो गया, तो यहाँ पे जहाँ पे कैंसर, जैसे यहाँ पे कैंसर हो गया, तो क्या किया जाएगा, इस कैंसीरियस सेल को रेडिएशन प्रोवाइड की जाएगी, रेडिएशन दी जाएगी। रेडिएशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि उसमें जो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाए, किल हो जाए, और जिससे पर्सन को पेन ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो रेडिएशन थेरेपी से ही कैंसर ठीक हो जाता है, बट वो निशान जो पड़ जाते हैं वो रहते हैं परमानेंट के लिए, वैसे तो वो सही हो जाता। और इतनी केयर की जाती कि आसपास की सेल को या टिश्यू को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो रेडिएशन थेरेपी सबसे पहला ट्रीटमेंट है। उसमें क्या किया जाता है, कैंसीरियस सेल को रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है टू डैमेज द वायरसेस, वायरसेस को डैमेज करने के लिए। उसके बाद ये तो पहला हो गया। दूसरा है कीमोथेरेपी। नाम से पता चला है कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब होता है केमिकल। स्पेसिफिक केमिकल का यूज किया जाता है कैंसीरियस सेल को डैमेज करने के लिए। यूज ऑफ कीमोथेरापेटिक ड्रग्स। मेनी ड्रग्स हैव केमोथेरापेटिक ड्रग्स, अभी मैंने बताया कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है, कुछ केमिकल का यूज किया जाता है जिससे कैंसीरियस सेल को डैमेज कर सके। बट जितने भी ड्रग्स होते हैं लगभग उसमें 90% ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। कौन जो मेडिसिन यूज की जाती कैंसर के कंडीशन में उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे हेयर लॉस। जिसको भी कैंसर रहता है उसके देखा होगा अक्सर ज़्यादातर लोगों के हेयर लॉस हो जाते हैं, मीन्स बाल झड़ जाते हैं। और क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती। ये दो साइड इफेक्ट होते हैं जो केमोथेरापेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द कैंसर। देन नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। द पेशेंट कैन गिवन अ बायोलॉजिकल इम्यून दैट रिस्पॉन्स दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। एक हमने पढ़ा था इंटरफेरॉन, वो दूसरी चीज है, यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन लिखा गया। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, ये जो कैंसीरियस सेल होती है उसमें इसको डैमेज करने के लिए, ट्यूमर को डैमेज करने के लिए जो है अल्फा इंटरफेरॉन का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे ईजिली जो है हम ट्यूमर सेल को, हमारी बॉडी क्या कर सके, उसको डैमेज करके डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये हो गया इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर उसके बाद है लास्ट है सर्जरी। सर्जरी जैसे ऐसी कहीं कंडीशन में, जैसे अब इसोफेगस में हो गया कैंसर तो वहाँ पे हम सर्जरी करके रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमारे लंग में कैंसर हो गया या हमारे किडनी में कैंसर हो गया तो हम क्या कर सकते, उस कैंसीरियस सेल को सर्जरी की हेल्प से रिमूव कर सकते। तो बॉडी में लोकेशन मीन्स कैंसर कहाँ पे हुआ, किस लोकेशन में हुआ है कि हम उसको सर्जरी करके रिमूव कर सके, तब जो है सर्जरी का यूज़ करता है। कौन कौन से ट्रीटमेंट है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी। हमने इस पूरे लेक्चर में कैंसर के बारे में स्टडी किया, उसके डिटेक्शन के बारे में स्टडी किया, डायग्नोसिस के बारे में स्टडी किया और ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।